हेलो एवरीवन, अभी दोपहर के हो रहे हैं 3:30। मेरे माँ और मेरा बेटा अभी नींद की मजा ले रहे हैं। मैं अपना नींद पूरा कर चुकी हूँ और मैं अभी से लेकर रात तक अपने घर के कामों को कैसे निपटाती हूँ ये आपसे शेयर करते जाऊँगी। कपड़े को समेटने के पहले मैं कपड़े को अच्छी तरह से सीधा कर लेती हूँ और हर एक मेंबर के कपड़े को मैं अलग अलग रखती हूँ। आप यदि इस तरह से सभी कपड़े को अरेंज करें तो कपड़े को रखते वक्त और निकालते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी और वो बहुत अच्छे से अरेंज रहेगा। मैं अपने लिए मरून कलर का बनारसी दुपट्टा खरीदी हूँ। प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करें कि इस तरह के दुपट्टे में मुझे किस तरह का ड्रेस अच्छा लगेगा। मेरी माँ सो के उठ चुकी है। वो खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट कर रही हैं। उनके शुगर टेस्ट करने में मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। उनका टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है। आपके घर में यदि कोई शुगर की पेशेंट हो तो आप टेस्ट मशीन जरूर रखें, इससे बहुत हेल्प होती है। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। हवा के साथ थोड़ी धूल अंदर आ गई। मैं थोड़ा सा रूम को अरेंज करते हुए हल्का सा इधर उधर झाड़ू मार के साफ कर लूँगी और दरवाज़ा खोलने के बाद बहुत ही अच्छी ठंडी हवा अंदर आने लगती है। माँ इस ठंडी हवा को एंजॉय करने के लिए वहाँ बीच में ही बैठ गई। आगे मैं अपने किचन में चाय के साथ मैं थोड़ा सा डिनर की भी तैयारी कर लूँगी। आज मुझे कई चीज़ें बनानी हैं, इसमें से एक है स्वीट कॉर्न। इसके दाने को निकालने के लिए मैं इसे माँ को पकड़ा दूँगी जो हवा में बैठे बैठे इसके दाने को निकाल देगी। फ्रिज से इकट्ठी मलाई को मैं बाहर रख दी हूँ नॉर्मल होने के लिए, उससे घी बनाना है। एक तरफ मैं चाय चढ़ा दी, दूसरी ओर मुझे घी बनाना है। इसके लिए कढ़ाई में मैं मलाई को डाल के उसे थोड़े से हाथों से फेंट लूँगी। साथ में बनाऊंगी कच्चे आम की शरबत। ये शरबत मैं कैसे बनाई ये आपको बताते जाऊंगी। आम के पीछे भाग को काट के इसे गर्म पानी में मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया। एक गैस स्टोव पे मैं चढ़ा दी आम उबलने के लिए। दूसरे गैस पे मेरे चाय का पानी उबल रहा है। इसमें मैं डाल दी थोड़ा सा पत्ती और चीनी और एक नींबू की पत्ती। इससे चाय में बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाती है। जब तक आम उबलता है, चाय उबलती है, तब तक मैं थोड़ा सा घी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। चाय बन चुका था। मैं चाय माँ के पास रख आई। ये उन्होंने कॉर्न छील दिया जिसे मैं बाद में बनाऊंगी और माँ के साथ बैठकर अभी थोड़ी देर बातें करते हुए चाय का मजा लूँगी। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं वापस किचन चली आई। मैं कॉर्न को कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी और नमक दे के ढक्कन लगा के उसे थोड़ी देर के लिए चढ़ा दूंगी। 2-3 सीटी में कॉर्न पूरी तरह से पक जाएगा। मेरा आम भी पक के ठंडा हो चुका है। ये पूरी तरह से पका या नहीं इसके लिए एक चाकू की मदद से उसे थोड़ा सा चाकू डाल के मैं चेक कर लूँगी। एक गैस बर्नर पे मेरा कॉर्न उबल रहा है। इधर मैं घी बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। इसे निकालने के बाद जब मलाई नॉर्मल हो जाए तो उसे थोड़ा सा हाथ से फेंट लें, फिर आप उसमें ठंडा पानी मिला के फेंटें। देखें मक्खन अपने आप ऊपर आ जाएगा। मेरी कुकर सीटी मार रही है। घी उबलने के लिए मैं रख दी हूँ और मैं सब्जी बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। कॉर्न मेरा उबल के ठंडा हो चुका है। उसे मैं एक छकने में डाल दी हूँ ताकि उसका सारा पानी बाहर निकल जाए। एक तरफ मेरा घी बन रहा है, दूसरी तरफ मैं सब्जी बैठा दी और तीसरी तरफ मैं कुकर में चढ़ाने वाली हूँ जिमीकंद या ओल। ओल को अच्छी तरह से छील के काट के मैं कुकर में डाल के चढ़ा दूँगी और जिसका मैं बनाऊँगी भरता। घी भी बन के तैयार है। उसे मैं एक डब्बे में निकाल ली और उसके नीचे बचे हुए सार को भी मैंने एक छकने में करके उसके ऊपर रख दिया ताकि वह धीरे धीरे टपक के सारा बाहर चलाए। आम ठंडा हो जाने के बाद उसे अच्छी तरह से मसल के सारे गुद्दे को निकाल ली। एक मिक्सर जार में मैं सारे गुद्दे को डाल दूंगी। उसमें मैं मिलाऊंगी मैं 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी, 1/2 कप ठंडा पानी, जीरा पाउडर। आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा कम दे सकती हैं।
और आधा चम्मच काला नमक। इसे बोल में निकाल लूंगी। फिर इसमें मैं मिलाऊंगी लगभग एक बड़े ग्लास जैसा ठंडा पानी। कच्चे आम का शरबत पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस शरबत को आप भी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रात का डिनर मेरा तैयार है। स्वीट कॉर्न, कच्चे आम का शरबत, जिमीकंद का भरता और आलू परवल की सब्जी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।